अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता दूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। इसका उत्तर भी जो है इसी वीडियो में बताऊंगा एंड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आपको सिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी सेक और आप लोगों का जो है ना 323 रहेगा, टाइम 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे जो है आपका आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का पेपर इसी वीडियो चैनल पर डाला जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आराम से आप लोग देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि उनमें से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर की किरणें जो है ना पड़ती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये अक्षांश जो होती है ना, ये होती है हमारी जो ना 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला का भी बिल्कुल राइट होगा। दो नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबे स्थलीय सीमा है। तो लंबे स्थलीय सीमा तो आपको पता होना चाहिए, चाइना के साथ, चाइना का साथ है लंबी स्थलीय सीमा, नहीं ये बांग्लादेश के साथ होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया, निम्न में से किन शहरों में ज्यादा जो ना लंबा ज्यादा लंबा होता है। निम्न में से किन शहरों में दिन ज्यादा लंबा होता है, दिन ज्यादा लंबा होता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा चंडीगढ़ में, ऑप्शन 3 नंबर का सी होगा। 4 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ना क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा चाइना, यानी कि चीन कहेंगे, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया आप लोगों से कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आपका विषुवत जो ना विषुवत वृत्त के निकट, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो ना मायोत्तर में से कौन सा भारत का मानक मायोत्तर है। तो याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन सी होगा जो ना, ये हो जाएगा आपका 42.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 7 नंबर की, जो ना वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन होगा। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट करना है, साइबेरिया का मैदानी भाग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकतंत्र का जो है ना झील स्थित है। तो याद रखना है 8 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, मणिपुर में, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको बी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 9 की निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो बिल्कुल ये याद रखना है, 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निकोबार से अंडमान को कौन सा क्षेत्र अलग करता है। तो याद रखना है 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 10 चैनल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा वायुमंडलीय परत में ओजोन प्रतिष्ठित है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, नोट कर लेना है आप लोगों को, ये हो जाएगा जो ना समताप मंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डोडा वेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, नोट करना है, नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, बोला गया निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो बिल्कुल ही 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, नोट करना, 120 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, नोट करना है, दामोदर है ना। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है गंडक को, है ना, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है 15 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आने वाले सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा जाने वाली पार्थिक विकिरण के लिए अपारदर्शी है। तो बिल्कुल ही 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका जो ना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 16 है कि निम्नलिखित में से भारत में बहने वाली नदी की द्रोणी सबसे बड़ी इनमें से कौन होगी। तो याद रखना है 16 का ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर जो होता है ना
ध्यानपूर्वक देख लेना। क्वेश्चन बोला जाता है जो है ना 17 नंबर के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था, तो उनका नाम था गैलीलियो, यानी कहीं के ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही 17 का करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी मैं कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा, उससे पहले इसका PDF कहाँ पर मिलेगा डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, तो वैसे से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए पहले सिखा देते फिर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को अपने फोन में गूगल को ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है ना क्लास 11th का सेशन देखने को मिलेगा, क्लास 11th सितंबर मंथली एग्जाम, ये फर्स्ट वाला लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, पेज वगैरह को आते ही रिफ्रेश कर लेना, पेज को नीचे की खींचना होता है, इससे जो भी चीज़ यहाँ डाला जाता है वो आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर पहले पेज को रिफ्रेश करना, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पर लिंक है, दोनों ग्रुप को ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो ये आपका साइंस का सेशन है, तो यहाँ आपको क्लिक नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। तो नीचे आओगे तो इधर आपको जो है ना पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा, तो आप जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी, मतलब ऑल सब्जेक्ट है देख सकते हो, होम साइंस, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, सोशोलॉजी का, इसके अलावा म्यूजिक का, फिलोसफी का, और हिंदी, संस्कृत का, मैथिली का, उर्दू का। फिलहाल हम लोगों को करना है अभी जो है ना ज्योग्राफी का डाउनलोड, तो ज्योग्राफी है इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, पेज वगैरह को यहाँ भी रिफ्रेश करना है, तब तक जब भी आना है तब रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि जब रिफ्रेश करने से ही आपको पता चलेगा कि सब्जेक्टिव आंसर की अपलोड हुआ है फिर ने। नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर की, इसके अलावा नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्टिव आंसर, इस पर डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हो। ये लिंक ना काम करे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको देखने को मिलेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर और यहाँ पर 3 क्वेश्चन का, तो आप आकर के पेज वगैरह को रिफ्रेश कर यहाँ पर बिल्कुल आंसर के आपको देखने को मिल जाए। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन 18 का, बोला गया कि निम्न में से कौन जो है ना झारखंड की राजधानी है, तो ये बिल्कुल याद रखना है 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि रांची जो है झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 19 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राज्य को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है जो है ना 20 नंबर की, डायनासोर का युग किस भूवैज्ञानिक अवधि में था, तो याद रखना है 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा बी नंबर, नोट कर लेना है, ट्रियासिक में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 है कि निम्नलिखित में से कौन भीतरी ग्रह है, तो याद रखना है 21 का ऑप्शन नंबर होगा बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक गरीब खान कहाँ अवस्थित है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट कर लेना है आप लोगों को जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल देखना। तो प्यारे बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर बोला जा रहा है ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोला जा रहा है 22 नंबर की सर्वाधिक गरीब खान कहाँ पर अवस्थित है, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोट करना दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 22 की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो 23 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, होम्स ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 की निम्न में से कौन सबसे कठोर खनिज है, तो बिल्कुल ही 24 का ऑप्शन नंबर आपको डी नोट करना है, टॉल्क यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, बोला गया कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का एक कारक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चट्टान, ऑप्शन नंबर ए आपको नोट करना है। 26 है कि गारो और खासी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो 26 का नोट करना है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 है कि आम्र बोचार किस राज्य से संबंधित है, तो 27 का ऑप्शन सी होगा, असम में, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें, तो बोला गया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, तो बिल्कुल याद रखिएगा भारत का जो स्थान प्राप्त है ना पूरे वर्ल्ड में वो हो जाएगा जो ना छठवां स्थान, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन को करेंगे, और भी जो क्वेश्चन आपका बचा इन सारे क्वेश्चन को, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भूकंप की तरंग नहीं है, तो भूकंप की तरंग जो नहीं होगी LSB नहीं होगा, ऑप्शन इसका भी डी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे देख लेते क्या क्वेश्चन बोला। क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा सर्वप्रथम किस भूगोल वेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये थे हमारे जो ना
एटनल ये होमबॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट कर लें, प्रॉपर याद नहीं है, छोड़ देना अगर ना हो तो, 25 ही तो बनाना है ना आपको। आगे बात कर लें तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 10 तक क्वेश्चन, आपको 5 प्रश्न का जवाब देना, 2 मार्क्स बोला, 10 नंबर मिलेगा। तो देख सकते हो क्या क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है कि आपसे बोला गया कि सूर्यताप क्या है, दूसरा है भारत में नदियों के आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस जल प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है, 4 नंबर की भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे, 5 नंबर की भूकंप क्या, और 6 की ऊष्मा संतुलन क्या है। बात कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तो समुद्र शामिल क्या है, और क्वेश्चन नंबर 8 के भूगोल की प्रमुख शगाओं के नाम लिखे, और 9 नंबर की बिहार में बनने वाली 2 नदियों के नाम लिखे, और 10 नंबर की स्थानीय पवन क्या है। तो आगे बढ़ेंगे, अब हो जाता है आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 1 से 11 से 10 तक 15 तक क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स बोला है, टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा नंबर, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि नदी जल के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करते हुए दूर करने के उपाय बताए, 12 है कि उष्मा बचत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, 13 है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें, 14 है भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन करें, 15 है कि भारत के एक भू आकृति प्रदेश का वर्णन करें। तो इन सभी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, दूसरा का यहाँ पर है, तीसरा का यहाँ पर है, तो लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया वहीं पे मैं डालूंगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना। ये आपका 4 का होगा, ये आपका 5वां का उत्तर हो जाएगा, है ना, ये आपका 5वां का उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये है 12 नंबर का उत्तर, ये है 13 का, ये है 15 का, तो यहाँ से आकर के जरूर लिख लीजिए आप लोग।